नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद विशाल पांडेय के दोनों बहनों वैष्णवी पांडेय व वर्णिता पांडेय से अजय राय ने राखी बंधवाया। शहीद विशाल पांडेय के पिता विजय शंकर पांडेय व मां विमला पांडेय से अजय राय आशीर्वाद लिए व परिवार का कुशलक्षेम जाने। बहन वर्णिता पांडेय व वैष्णवी पांडेय ने अजय राय को रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहा कि भाई की कमी तो जीवन भर महसूस होगी, लेकिन जिस तरह से आज अजय राय भैया आकर हम बहनों मेरे परिवार का हौसला बढ़ाया, राखी बंधवाए, अच्छा लगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इस कोरोना काल में ही मेरे परिवार का फोन के माध्यम से कुशलक्षेम जानी थी। वह अजय राय भी लगातार मेरे परिवार का हालचाल जानते रहते हैं। वह कहा कि मुझे भी एयरफोर्स में जाना है व देश का गौरव बढ़ाना है, क्योंकि शहीद विशाल पांडेय भैया का सपना था कि मैं फोर्स में जाऊं व देश की सेवा करूं। इस मौके पूर्व मंत्री अजय राय, संघ महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, मनीष मोरोलिया, मनीष चौबे, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस चंचल शर्मा, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस मयंक चौबे, विनीत चौबे, रोहित दुबे, अनुभव राय, प्रिंस चौबे, आदर्श चौबे बाबू, आयुष सिंह, रजत सिंह उपस्थिति रहे। आप ये यहाँ पर आप आए हैं और क्या उद्गार रहेंगे सर? आज हम सब लोग अपने इस देश के महान सपूत, महानायक, अपने परिवार के सदस्य विशाल पांडे जी के परिवार में आए हैं और आज दो बहनों से हम लोगों ने राखी बंधवाई और इनको ये बच्चों को कभी ये महसूस ना हो कि इनका भाई नहीं है। इनके सैकड़ों और हजारों भाई हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ हमेशा जिंदगी भर खड़े रहेंगे। इस के तहत आज हम लोग इस रक्षाबंधन पर हम सभी हमारे साथी नौ हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे जिला कांग्रेस के राजेश्वर जी, शहर कांग्रेस के हमारे राघवेंद्र जी, मयंक जी, सभी लोग आज हम लोग ये पूरी टीम के साथ, मनीष जी, सब लोग आए हैं। ये आज पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार इस परिवार के साथ लगातार संघर्ष में भी खड़ा रहा। उस समय भी प्रियंका गांधी जी के घर आई थी और आज हम सब लोग रक्षाबंधन के अवसर पर इस परिवार के साथ और इस दोनों बहनों से उन्होंने राखी बंधवाई है और इनके साथ वचनबद्ध हैं जीवन भर खड़े रहें। सर, सरकार ने उस समय बहुत दावे किए थे, लेकिन आज कोई प्रतिनिधि सिवाय आपके दिख नहीं रहा है। मैं तो इस परिवार का सदस्य हूँ, बड़े भैया से भी संबंध थे, हमारे विशाल पांडे जी के बड़े, उनके पिताजी से, तो मैं समझता हूँ हम लोग परिवार के सदस्य के नाते भी हैं। और प्रतिनिधि आज बनारस किसी, देखिए कोरोना की महामारी में जो पूरा बनारस इसमें चपेट में है, पूरा बनारस परेशान है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहाँ स्ट्रेचर से बॉडी ले जाई जा रही हो, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा हो, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और इस शहीद परिवार के बारे में तो आके बड़ी बड़ी बात वो कहे थे और हुआ कुछ नहीं। अब बाकी पिताजी, मैं समझता हूँ कि सारी बात विस्तार से, क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी है, उन्होंने क्या क्या उसमें मंत्रीगण और बड़े बड़े लोग जो प्रदेश के देश के आए थे वो बताएंगे। हम सब लोग कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ वचनबद्ध है और प्रार्थना।